हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब हम इसका दूसरा अपोजिट सपोज कर लेंगे। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो रैशनल है, और अगर ये रैशनल है, ये सेम है एग्जाम्पल नंबर 10th के जैसा, ठीक है, तो रैशनल है, रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो उसके बाद अब इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, टू रूट फाइव को इधर ही रख दिया, ए अपॉन बी दूसरी तरफ 3 को ले गए, माइनस 3 हो गया, इट विल बिकम टू रूट फाइव, एलसीएम ले लिया, बी ए माइनस 3 बी हो गया, ठीक है। इसके बाद अगेन 2 को डिवाइड में ले गए, ए माइनस 3 बी डिवाइड बाय 2 बी, ठीक है, 2 डिवाइड में हो गया। तो इसके बाद क्या, देखो रूट फाइव है वो हमारा रैशनल है, तो और जो दूसरी तरफ है रूट फाइव है हमारा इरेशनल है, लेकिन जो आरएचएस में वो रैशनल है। कैसे, देखो ए और बी आर इंटीजर्स, सो ए माइनस 3 बी डिवाइड बाई 2 बी इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, रूट फाइव है वो इरेशनल नंबर है, देयरफोर जो LHS है वो इक्वल नहीं हो सकता RHS के, ठीक है। और लिखना तो इससे पहले लिख देंगे, देयरफोर इरेशनल, या फिर लिख सकते हैं बट इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफोर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स हैंस आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था SUPPOSITION, सपोजिशन इज रॉन्ग। जब सपोजिशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत, वो क्या हो जाएगा, हैंस 3 प्लस 2 रूट 5 है वो इज इरेशनल नंबर, वो क्या है, इरेशनल नंबर। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या था ये इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमने रैशनल मान लिया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के से प्रूफ करने के लिए, और रैशनल हो गया तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं और बी 0 के बराबर नहीं है। हम 3 को दूसरी तरफ लेके गए तो साइन प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो ए अपॉन बी माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट लाइन में हमने इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आए, तो इट विल बिकम 5 इक्वल्स टू ए माइनस 3 अपॉन 3 बी अपॉन 2 बी, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था। ओके, नेक्स्ट में देखो रूट फाइव है वो इरेशनल है, बट ए और बी था जो हमारा वो इंटीजर्स थे, तो ये जो हमारा है आरएचएस में ये हमारा रैशनल हो गया, आरएचएस हमारा रैशनल है, एलएचएस हमारा इरेशनल है, तो इरेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये दोनों हमारे एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने सपोजिशन किया था वो रॉन्ग हो गया, तो हमारा क्या हुआ, जो हमने माना था कि ये रैशनल है तो ये रैशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। बस इतना ही है, थैंक यू।